स्टूडेंट्स, अभी हम लोग सितंबर मंथ में हैं। मुझे उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी नीट की। अभी आपके पास जो मंथ हैं बचे कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, चार मंथ हैं आपके पास। मुझे उम्मीद है पढ़ाई आपकी सही चल रही है। मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, वो बायो में चीज़ों को रटने पे ज़्यादा फोकस करते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स आते हैं कि जल्दी जल्दी चीज़ों को कंप्लीट कर दिया जाए, बट मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से कट ऑफ जा रहे हैं, उस हिसाब से आप रट कर बायोलॉजी से सेलेक्ट नहीं हो सकते। आपको चीज़ों को समझना होगा, और जो चैप्टर आप कंप्लीट कर रहे हैं उन चैप्टर्स को, मतलब उन चैप्टर के सारे कंसेप्ट को आपको क्लियर करके चलना पड़ेगा, तभी आप 85-80+ क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इसके बाद अभी जो चीज़ें चल रही हैं, जैसे मैं कहूँ कि अगर जेनेटिक्स आप पढ़ रहे हो, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो, या इवोल्यूशन पढ़ रहे हो, या ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो, तो चीज़ों को रखने से ज़्यादा बेहतर है कि उसको समझने की कोशिश कीजिए। टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, बट एक बार जो चीज़ें सही हो जाएंगी, वो क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में गलत नहीं करेंगे। कुछ बच्चे कॉन्सेप्ट ले जैसे कहते हैं लाइक ऑपेरॉन पढ़ा दीजिए, उसके बाद मैं देखता हूँ कि वो चीज़ों को रटने फोकस करते हैं कि ये रेगुलेटर जीन है, ऑपरेटर जीन है, स्ट्रक्चरल जीन है। मैं कहूँ लाइक ओपेरॉन पढ़ो तो सही तरीके से पढ़ो, और आपके रिक्वेस्ट पे मैं वीडियोस भी बनाऊँगा जिस तरीके से आपको जो टॉपिक पे टिक होगी उसको मुझे बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। कुछ टॉपिक्स जैसे मैं देखता हूँ जो बच्चे ज़्यादा रटने फोकस करते हैं, उस पर मैंने कुछ कॉमन टॉपिक बनाए हैं बच्चों को ऑब्जर्व करके, जैसे लाइक ओपेरॉन, रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग, गैमेटोजेनेसिस, मेल गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस, ये चीज़ें हैं। और मियोसिस में, मियोसिस के पूरे के पूरे प्रोसेस को समझने की कोशिश कीजिए कि कब कौन कौन सा स्टेज हो रहा है, किस तरीके से क्रॉसिंग हो रही है, किस तरीके से होमोलोगस क्रोमोसोम पेयरिंग कर रहे हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, फिर जीन की क्लोनिंग कैसे होती है, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहा है तो आरएनए इंटरफेरेंस है, वहाँ पर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, मलेरियल साइकिल को बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, सीवेज ट्रीटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल एकदम सही तरीके से हर, मुझे लगता है कि हर मंथ सीवेज ट्रीटमेंट को एक बार तो जरूर दोहराना चाहिए। और एंजाइम काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स के क्वेश्चन आते हैं, एंजाइम को रटने के लिए उनके फंक्शनिंग पर ध्यान दीजिए, कब कौन सा एंजाइम कहाँ यूज होगा, कब कैसे यहाँ पे, सेल ऑर्गेनल्स के स्पेसिफिक फंक्शन पर ज़्यादा हमें फोकस करना पड़ेगा, और उनके फंक्शंस पे, सेल ऑर्गेनल्स पे। हर्सेन चेज एक्सपेरिमेंट सामने आता है, उसको भी बिल्कुल सही तरीके से पढ़ के चलना है। मिसेलसन एंड स्टेल एक्सपेरिमेंट है, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट है, इसके बाद जेनेटिक कोड, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जेनेटिक कोड से एवरी ईयर क्वेश्चन तो बनने ही बनने तय हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को बिल्कुल सही तरीके से पढ़ने जा रहा हूँ, VNTR प्रोब क्या होता है, किस तरीके से ऑटो रेडियोग्राफी परफॉर्म की जाती है, जो स्टेप्स उसके हैं उसको याद करने की जरूरत है, जेनेटिक कोड के किस तरीके से डीएनए आइसोलेशन की जाती है, इलेक्ट्रोफोरेसिस की क्या जरूरत पड़ती है, कौन सा जेल यूज होता है। तो इसको बिल्कुल सही ढंग में अगर हम चलेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी और बेहतर होती जाएंगी, और रटने से बेहतर है कि टाइम देकर किसी भी चीज़ को, मतलब हम लोग पढ़ें तो ये चीज़ें एग्ज़ाम तक कम आएंगी। और मुझे लगता है कि अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करोगे तो जो आपके अभी तक 60-65 क्वेश्चन सही होते थे वो 85 तक पहुंच जाएंगे, 88-90 out of 90 क्वेश्चन आप कर सकते हो। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि किसी भी मॉड्यूल को बहुत ज़्यादा फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, अपने टीचर को फॉलो कीजिए और NCERT को फॉलो कीजिए, दो चीज़ को टारगेट बनाइए। एक आपका NCERT सबसे इम्पॉर्टेंट है, NCERT अगर आप पढ़ रहे हैं तो NCERT से बाहर कोई क्वेश्चंस नहीं बनना है आपको, सिर्फ आप उस दो क्वेश्चन पे काम करने लगते हो 88 क्वेश्चन को छोड़ देते हो। तो मैं कह रहा हूँ 88 क्वेश्चन को पकड़ो, दो क्वेश्चन के चक्कर में इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 88 अगर आपका क्वेश्चन सही हो जाता है नीट में तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, बायोलॉजी से तो सिलेक्शन बिल्कुल नहीं रुकने वाला अगर आपका 88 सही हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा किसी मॉड्यूल को, शेड्यूल को, किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, आप NCERT पकड़िए और NCERT की ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट पे वर्क करने की ज़रूरत है, और इस तरीके से जो चीज़ें रहेंगी वो हमारे पास रहेंगी, और मुझे उम्मीद है कि मेरी बातों को आप फॉलो करेंगे। जिस टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए आप उसको कमेंट में बता सकते हो कि जिस टॉपिक पे वीडियो हमें, इस पर हमें चाहिए। ठीक, ओके, थैंक यू स्टूडेंट।